दर्शक एक बात और जान ले कि ये कितने बेईमान लोग हैं कि ये जो संविधान की बात करते हैं। मैंने दो ही खबरें डाली हैं, 5 मिनट में बता दूंगा दर्शक, और मेरे ट्विटर पे जाके आप बड़े डिटेल में पढ़ सकते हैं कि एक खबर मनीष जी आप जानते हैं पी साईनाथ, बहुत बड़ा नाम पत्रकारिता का, और कम से कम आप भाजपा ही तो कतई नहीं कह सकते, भाजपा या आरएसएस का आप एक तरह से आलोचक या विरोधी साईनाथ को आप कह सकते हैं। और साईनाथ ने अपनी जो हाँ ये मनीष जी आउटलुक आउटलुक की है ना मनीष जी, ये पहली खबर शायद आउटलुक की है, आउटलुक में साईनाथ ने एक रिपोर्ट लिखी थी, ये 2022 में रिप्रिंट हुई है, ये खबर 2016 में आ गई थी, क्योंकि मैंने अपनी किताब में इसको बड़ा डिटेल में छापा था, तो बड़ी लंबी रिपोर्ट है, मैंने केवल ऑपरेटिव पार्ट एक तरह समझिए जो जरूरी है दर्शकों के मतलब क्या है उसको पढ़ लीजिए कि साईनाथ ने 2016 में ही क्या लिखा था कांग्रेस के यूपीए शासन काल के बारे में, और मैंने अंडरलाइन कर दिया है तो दर्शक उसको पढ़ लेंगे कि ये जो बड़े बात करते हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके बारे में क्या लिखा है। तो जरा मनीष जी मैं पढ़ देता हूँ, दर्शक उसको समझ जाएंगे। सो इट टोटल्ड रुपीज 5.32 लाख करोड़ इन 2013-14 बट बजट ओनली स्टार्टेड कैरिंग दैट एनेक्शन ए फ्यू ईयर्स अगो एंड वी ओनली हैव द डाटा फ्रॉम 2005-06 टू 2013-14 इन दोज 9 ईयर्स द कारपोरेट कर्जा माफी अमाउंटेड टू रुपीज 36.5 लाख करोड़ that in case you like the sound of the word is rupees 36.5 trillion okay so for the record these were all UPA years yani UPA shasan kal mein 9 saal ke shasan kal mein 10 nahi unka itna hi mujhe aankda mil paya hai ki 9 saal ke karyakal mein 36.5 lakh crore rupaye udyogpatiyon ka karza congress ne maaf kar diya tha aur us samay rahul gandhi kaksha 5 mein nahi padhta tha us samay rahul gandhi संसद में बैठा करता था 2004 से 2014 के बीच के 9 सालों की बात और ये पी साईनाथ कह रहे हैं। अभी आगे मनीष जी जिन्होंने एक रोचक और आंकड़ा दिया है वो अद्भुत है, तो उसके बाद वो लिखते हैं नॉट ओवर गिव अवेज टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द बेटर ऑफ दैट क्रॉस 1100 करोड़ ए डे ऑन एवरेज इन 9 ईयर्स देर इज ए हैंड रिगिंग ओवर ए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम दैट एट इट्स बेस्ट वेरी बेस्ट cannot give rupees 500 15000 in entire year to a family of 5 not over corporate karza maafi that works out across those 9 years jara ye aankda darshak dhyan se sune jo main agli line padhne ja raha hu aur jo fir abhi bata is pe isi pe main aage baat karunga ki wo aage likh rahe hain ki not over corporate karza maafi that works out across those 9 years to rupees 1,28,000 per second yani har second pe congress jo hai har second pe din aur ghante ki baat nahi ho rahi ki un 9 saalon ke dauran har second pe udyogpatiyon ka 1,28,000 rupiya maaf kar rahi thi 1,28,000 rupaye har second ye raftaar thi udyogpatiyon ko karza maaf karne ki aur 36.5 lakh crore rupiya कांग्रेस ने उद्योगपतियों को माफ किया था। लेकिन मनीष जी हम जिक्र करेंगे आप जिक्र करेंगे ये अपन प्रधानमंत्री मोदी का भी बोल दें बाकी जो 10 करोड़ सदस्य हैं 12 करोड़ सदस्य हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे अपने इंस्टाग्राम पे आज फलाने नेताजी से भेंट का सौभाग्य मिला, आज फलाने नेताजी का स्वागत किया, आज फलाने मंच पे भाषण दिया, आज फलाने मंदिर में भजन बलि के दर्शन हो गए, भगवान राम के दर्शन हो गए, इसी में वो लगे हुए हैं। और ये जरा गौर करिए कि ये मैं बता रहा हूँ कि ये आप इसकी डेडलाइन पे मत जाइए, 2022 में एक तरह से रिप्रिंट है क्योंकि मैंने अपनी पुस्तक जो लिखी थी उसमें मैंने इस रिपोर्ट को बड़े डिटेल में छापा था और ये 2016 की रिपोर्ट है पी साईनाथ की कि 2016 से आज 2024 यानी 8 साल पहले की ये रिपोर्ट है। और मनीष जी ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, दिल्ली से मैं जानता हूँ बहुत सम्मानित और कम से कम भाजपा ही कहते नहीं है, अगर उस पर आ जाए तो उसको बड़ा सेकुलर पत्रकार या एक तरह से लिबरल पत्रकार माना जाता है, तो इनको आप जोड़कर नहीं देख सकते। और साईनाथ की इकोनॉमिक रिपोर्टिंग है वो निर्विवाद रही है, कभी उंगली उस पर नहीं उठी है, नहीं उठी। बड़ा नाम है पी साईनाथ का, नाम बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक जर्नलिस्ट के रूप में। और वो आदमी अपने नाम बाईलाइन रिपोर्ट आउटलुक ऐसी मैगजीन में छप रही है, आउटलुक को भी आप कम से कम आरएसएस की मैगजीन तो नहीं कह सकते, वो भी वामपंथी झुकाव वाली मैगजीन है और उसमें आज से 8 साल पहले ये सच छप चुका
कि 36.5 लाख करोड़। और ये भी मनी जी आप जानते हैं कि पी साईनाथ जब कुछ छाप रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास दस्तावेज हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझको 9 साल के दस्तावेज मुझे मिले, बाकी मुझे नहीं मिल पाए। तो ये 36.5 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को माफ करने वाला है राहुल गांधी, और ये देश के प्रधानमंत्री को 10 साल से गाली बक रहा है, और इसको कभी किसी भाजपा ने काउंटर नहीं किया कि ये तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा मुंह काला है। जब ये तो जब साईनाथ ने कहा से निकाला होगा ये रिकॉर्ड, अरे ये रिकॉर्ड तो तुम्हारी तो सरकार है, ये लेके मतलब हिंदुस्तान के गली गली ये पहुंच जाना चाहिए था ये दस्तावेज, कि हर आदमी को मालूम होता कि कांग्रेस ने हर सेकंड पे 1,28,000 रुपया उद्योगपतियों को माफ किया। मनीष जी बहुत बहुत मतलब वो साईनाथ की मैं कलम का लोहा मानूंगा, क्या उन्होंने कैलकुलेशन करके अंत में जो लिखा है वो गजब है कि हर सेकंड पे 1,28,000 रुपए उद्योगपतियों में उड़ा रहा था राहुल गांधी, और इसको हमारे यहाँ भाजपा कहते हैं इको सिस्टम नहीं, अरे इको 10 करोड़ जो है फलाने नेता दिमाग के नेता और फलाने से भेंट का सौभाग्य मिला, फलाने को माला पहनाई, फलाने ने माला पहन ली, यही करने के लिए ये खबर 8 साल से कहाँ कवर में पड़ी हुई थी। बिल्कुल, और इतना महत्वपूर्ण सब कुछ जो है उसको साइड कर दिया गया। और कमाल की बात है कि नैतिकता की बात करने वाले ये कहते हैं कि अडानी और अंबानी को मोदी ने ये दे दिया।